जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और पाकिस्तान के बीच में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया, तो उस मुकाबले में भारतीय टीम की हार के बाद क्या दिग्गजों ने बड़े बड़े बयान दिए उसी के बारे में। तो आप सभी एक एक दिग्गज का बयान जाने बिना कहीं भी मत जाइएगा, और सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का तो बयान आपको जरूरी जानना चाहिए। तो आप सभी इनके बयान जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को मिली हार। तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने कर दी ऐसी शर्मनाक हरकत कि देखने के बाद आपको भी आएगा गुस्सा, आप भी भड़क उठोगे। तो दोस्तों आखिरकार क्या ये अपडेट है इसके बारे में भी जानेंगे, और भी जो मैच से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी इन खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों तो अगर आप भी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 लीग का 16वां मुकाबला खेला जा चुका है, जहां पर इस 16वें मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को पूरे 10 विकेट से हराया। तो वहीं दोस्तों इस मुकाबले में भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए थे, और 152 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान की टीम को दिया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से कप्तान विराट कोहली का बल्ला चला। जी हां दोस्तों इस मुकाबले में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 39 गेंदों में 57 रन ठोके, और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके और एक बड़ा छक्का जड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने 30 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली, और इन्हीं दोनों की इस पारी की बदौलत भारतीय टीम 151 रन तक पहुंच पाई। तो वहीं 152 रनों के लक्ष्य के जवाब में जब पाकिस्तान की टीम मैदान पर उतरी तो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का तूफान आया, जहां पर मोहम्मद रिजवान ने 79 रनों की पारी खेली तो वहीं बाबर आजम ने 68 रन बनाए। और इसी के साथ भारतीय टीम के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत हासिल करी, और इसी के साथ हर एक भारतीय देशवासी तो जरूर इस मुकाबले के बाद निराश हुआ, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गजों ने काफी अच्छी प्रतिक्रिया दी है। तो आइए चलिए भाई एक करके हम आपको बताते हैं कि आखिरकार किसने क्या क्या बोला है। दोस्तों पहले इस लिस्ट में जो बड़ा बयान निकल कर आता है वो है वीवीएस लक्ष्मण का, जहां पर वीवीएस लक्ष्मण कहते हैं कि बाबर आजम एक बहुत ही और खास टैलेंटेड खिलाड़ी है जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। पाकिस्तान के कप्तान से बहुत अच्छी तरह से 50 रन की पारी देखने के बाद काफी ज्यादा खुशी हुई, इस खेल में पाकिस्तान का दबदबा रहा और पाकिस्तान ने इस दबदबे को कायम रखा, और भारतीय टीम को इस मैच में वापसी करने की उम्मीद तक नहीं छोड़ी, जिसके चलते भारत के खिलाफ पाकिस्तान इस मुकाबले को आसानी से जीत पाया। बाकी पाकिस्तान को इस जीत के लिए काफी हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं दोस्तों बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, जो अगला बयान निकल कर आता है वो है इरफान पठान का, जहां पर इरफान पठान कहते हैं कि पाकिस्तान वास्तव में इस मुकाबले में काफी शांति से खेला, ये मुकाबला वैसा नहीं था। जब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के पिछले मुकाबलों की, यहाँ एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप देखने के लिए मिली, गेंदबाजों ने उन्हें अपनी इच्छा अनुसार गति देने की अनुमति दी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इसका फायदा उठाया, और जिसके चलते इस मुकाबले को पाकिस्तान की टीम जीत सकी। तो दोस्तों वहीं बात करना आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, जो अगला बयान निकल कर आता है वह आकाश चोपड़ा का, जहां पर आकाश चोपड़ा कहते हैं कि इस मुकाबले को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि भारतीय गेंदबाज अपनी गेंदबाजी ही भूल चुके हैं। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, जो अगला बयान निकल कर आता है वो है सुनील गावस्कर का, जहां पर सुनील गावस्कर कहते हैं कि इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज की टीम को हराया, और 5 बार इंग्लैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज की टीम ने हमेशा जीत हासिल करी थी, और इस बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में इतिहास रचे जा रहे हैं। भारत ने भी 5 बार जीत हासिल करी थी, और पाकिस्तान ने पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम को करारी शिकस्त दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम का ये कयास लगाया जा सकते हैं कि इस बार पाकिस्तान की टीम पूरी तैयारियों के साथ उतरी है। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, जो अगला बयान निकल कर आ रहा है वो है वीरेंद्र सहवाग का, जहां पर वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि भारतीय टीम ने अपनी तरफ से खूब कोशिश करी और गेंदबाजों से लेकर बल्लेबाजों ने पूरा प्रयास किया कि वो इस मुकाबले को जीते। हार और जीत से ज्यादा जरूरी है आपने इस मुकाबले से क्या सीखा, और ये सीख आपको T20 विश्व कप 2021 में काफी ज्यादा बढ़त देगी। तो वहीं दोस्तों बात करें आगे बढ़ते अगले बयानों के बारे में, तो अगला बयान निकल कर आता है सचिन तेंदुलकर का, जहां पर सचिन तेंदुलकर ने भी इनको बधाई दी है। तो ऐसे में दोस्तों अब आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में, जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के 16वें मुकाबले में भारत को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल हम आपको बताएं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रोमांचक मुकाबला 24 अक्टूबर को खेला गया, जहां पर ये मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ और वहीं करोड़ों की तादाद में फैंस इस मुकाबले को देखने के लिए जुटे भी हुए थे। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा क्योंकि यहां पर ना तो भारतीय टीम के बल्लेबाज कुछ ज्यादा खास कमाल कर पाए और ना ही गेंदबाज। और वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि इस मुकाबले में पहले टॉस जीतते हुए पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर उनका गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही उनकी टीम के लिए साबित हुआ। दरअसल खेली तो वहीं रोहित शर्मा 0 रन बनाकर आउट हुए और विराट कोहली की तारीफ करनी होगी क्योंकि मुश्किल समय में विराट कोहली ने जब 3 विकेट 31 रन के स्कोर पर ही गिर चुके थे उस वक्त उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर 57 रन बनाए। वहीं विराट कोहली के बाद सूर्य कुमार यादव ने 11 रन की पारी खेली और वहीं ऋषभ पंत ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 39 रन बनाए और रविंद्र जडेजा ने 13 रन की पारी खेली। हार्दिक पांड्या 11 रन बनाकर आउट हुए, भुवनेश्वर कुमार ने मात्र 5 रन ही बनाए और इसी के साथ भारतीय टीम 151 रन ही जोड़ सकी। और वहीं अगर बात करें पाकिस्तान के गेंदबाजों की तो पाकिस्तान की गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी करवाने वाले रहे शाहीन अफरीदी, जिन्होंने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 बड़ी सफलताएं हासिल करी। तो वहीं दूसरी तरफ हसन अली ने भी 4 ओवर फेंकते हुए 44 रन दिए और 2 बड़ी सफलताएं उनके हाथ लगी। और वहीं शादाब खान और हरीश रऊफ को 1-1 सफलता मिली, जहां पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से जैसी उम्मीद थी उसी तरह से उन्होंने एक प्रदर्शन दिखाया। दरअसल दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाजों का आक्रामक रूप देखने के लिए मिला, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए और एक छोर पर जहां बाबर आजम कप्तानी भरी पारी खेल रहे थे तो वहीं मोहम्मद रिजवान ने बड़े बड़े शॉट खेले। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये, और भारतीय टीम ने पावर प्ले में ही 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की हार का सबसे बड़ा सबसे बड़ा पॉइंट रहा। अगर बल्लेबाज पावर प्ले तक अच्छी बल्लेबाजी कर जाते तो शायद हम भी इस मुकाबले को जीत सकते थे। तो दोस्तों यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने काफी बड़ी प्रतिक्रिया दी और वो थोड़े निराश भी नजर आए भारतीय क्रिकेट टीम के आज के इस प्रदर्शन पर, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी को भी दोष दिया और कहा कि गेंदबाजी में भी कोई भी गेंदबाज खास कमाल कर नहीं पाया और यहां पर हर एक गेंदबाज न जाने किस तरह की गेंदें डाल रहे थे, जिस तरह से प्लानिंग करी थी उस तरह से कोई भी गेंदबाज अपना बखूबी उसने काम नहीं निभाया। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर काफी बड़ी बातें बोली। बाकी अब आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में आरएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।